हेलो गाइस, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूजीसी के अंतर्गत टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन तीन तरह की यूनिवर्सिटीज को कवर किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे की जो चर्चा है उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसी के कड़ी में आज हम लोग सबसे पहले लेजिस्लेशन के बिहाफ पर जो चौथी यूनिवर्सिटीज होती हैं की कैटेगरी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो चौथी तरह की जो हमारी यूनिवर्सिटी थी लेजिस्लेशन के बिहाफ पर, वो है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिन्हें हम निजी विश्वविद्यालय कहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, जरा इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है नॉट थ्रू एक्ट होता है, नॉट थ्रू स्टेट लेजिस्लेशन होता है। तो पहली चीज यहां पर, पहला पॉइंट, नॉट एस्टैब्लिश Not established through legislation, but state government declare नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी, केवल इतना ही आप समझ सकते, इतना ही समझिए यहां पर, कि जिस तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती थी वो नॉट एस्टैब्लिश थ्रू लेजिस्लेशन थी, बट वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर अ नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी, वहां पर जो भारत सरकार है वो एक उसको एक एक नोटिफिकेशन के थ्रू उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है, बट यहां पर डिक्लेयर अ नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी एज अ, यहां पर इसको आप भी जोड़ सकते हैं, डिक्लेयर अ नोटिफिकेशन वर्क एज अ यूनिवर्सिटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी, ये भी कहा जा सकता है। मोटी बात ये है कि निजी विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय हैं जिनका जो जो है गठन है वो किसी पार्लियामेंट एक्ट या स्टेट एक्ट के द्वारा नहीं होता, बल्कि इसे स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी की सिफारिश पर, यानी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूजीसी की सिफारिश पर जो है वो उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है। अब ये होती क्या है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती है। तीसरी बात, परमिशन टू अवार्ड डिग्री ऑटोनोमसली चौथी बात, ऑटोमेसी इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस
एग्जामिनेशन एंड रिसर्च, अर्थात इनको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह क्या है, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंस, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च के क्षेत्र में क्या है, स्वायत्तता प्राप्त होती है, स्वतंत्रता होती है। एक पांचवी बात, ओनली सिंगल कैंपस, नॉट परमिशन टू ओपन ऑफ कैंपस सेंटर एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलिएशन। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर कि निजी विश्वविद्यालयों को का केवल एक सिंगल कैंपस होगा, परमिशन, नॉट परमिशन टू ओपन ऑफ कैंपस सेंटर आर कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलिएशन, अर्थात निजी विश्वविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने का या अपने परिसर के बाहर अपने स्टडी सेंटर खोलने का जो परमिशन है या जो अधिकार होता है वो नहीं होता है। तो मुख्य मुख्य बातें क्या समझ में आई, निजी विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय हैं जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं लेकिन विधानसभा में पारित किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि एक अवश्य प्राइवेट रेगुलेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट है हर स्टेट का और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही राज्य सरकार मंजूरी देती है, लेकिन ये लेजिस्लेशन के थ्रू इनका अस्तित्व नहीं आता बल्कि केवल एक 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 श्वेत पत्र या एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये जो है यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी की जो सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं, इनको डिग्री अवार्ड करने की स्वायत्तता होती है, अर्थात ये भी डिग्री अवार्ड करती हैं, इनको एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शैक्षिक गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां, परीक्षा, शोध, रिजल्ट्स आदि सब कार्यक्रम स्वयं संचालित करने की, स्वयं कोर्स जो है चलाने की इनको स्वतंत्रता होती है, लेकिन इन्हें अपने परिसर के बाहर अपने स्टडी सेंटर खोलने की या अपने विश्वविद्यालय से संबद्ध दूसरे विश्वविद्यालय कॉलेजों को या संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। बस एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि निजी विश्वविद्यालयों को 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के पश्चात या चलने के पश्चात जो उनका जुरिसडिक्शन क्षेत्र है, जो उनका न्यायिक क्षेत्र है, तो उस जुरिसडिक्शन दायरे में वो अपने कुछ स्टडी सेंटर या अपने ऑफ कैंपस सेंटर खोल सकते हैं। तो प्रारंभ में ऑफ कैंपस सेंटर खोलने की आज़ादी नहीं है लेकिन 5 साल बाद वो ऑफ कैंपस सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का जो विद इन स्टेट जो उसका जुरिसडिक्शन जो प्लेस है तो उस जुरिसडिक्शन प्लेस के दायरे में खोलेंगे। दूसरा, किसी भी हाल में ये ऑफ कैंपस जो कॉलेज एफिलिएशन है, इंस्टीट्यूट एफिलिएशन है, वो नहीं करेंगे। एक पांचवी बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि जो चांसलर होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वो स्पॉन्सर्ड बॉडी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं होता है। दूसरा, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो चांसलर होता है वो अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर्ड बॉडी, और इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी जो चांसलर होता है वो अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर्ड बॉडी। तो बहुत सारी सिमिलरिटी है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही विदाउट लेजिस्लेशन अस्तित्व में आती हैं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अस्तित्व में आती की के डिक्लेरेशन पर आती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन पर इसका एग्जिस्टेंस होता है। दोनों नॉन लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रॉपर कानून बना करके नहीं होता है, बल्कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का अस्तित्व केंद्र सरकार के द्वारा आता है, उसके द्वारा जारी एक श्वेत पत्र से होता है या उसके द्वारा जारी एक आदेश से होता है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो अस्तित्व होता है वो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा होता है। ये पहली दोनों में समानता है कि दोनों नॉन लेजिस्लेटिव हैं, बट दोनों का अस्तित्व गवर्नमेंट के थ्रू होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। दूसरा, दोनों ही यूनिवर्सिटी को जो है वो ऑटोनॉमसली काम करती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ऑटोनॉमसली वर्क करती है, चाहे वो डिग्री अवार्ड करने की बात हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रिसर्च हो। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स के रूप में काम करते हैं, अर्थात इनको भी एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जामिनेशन, रिसर्च एंड सो अदर थिंग्स को लेकर के इनको भी स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, दोनों को ही विश्व जो है यूजीसी से संबद्धता होती है। अंतर क्या है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी पर जो यूजीसी का नियंत्रण है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है, थोड़ा सा कम होता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस किए होती हैं, एक तरीके से किसी विशेष विषय के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जो यूजीसी का कंट्रोल है या जो यूजीसी का जो नियंत्रण है वो ज़्यादा सख्त होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, और ये वेरियस कोर्सेज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स को विद इन कैंपस चला सकती हैं। तो इनका जो सेंट्रल कैंपस होता है उस सेंट्रल कैंपस में ये बहुत सारे कोर्सेज चला सकते हैं, किसी एक विशेष विषय से इनका जुड़ाव या संबद्ध जो है वो झुकाव होना आवश्यक नहीं है। तो नियमों अगर हम बात करें नियमों की कठोरता, तो निजी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियम कठोरता से लागू होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी के नियमों की कठोरता है वो थोड़ी सी शिथिल होती है, कम होती है, लेकिन बहुत सारे दोनों में सिमिलरिटीज हैं। तो आई हो सिमिलरिटी क्या है, इनके चांसलर के बिहाफ पर भी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो भी स्पॉन्सर्ड पार्टी द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है उसको भी स्पॉन्सर्ड पार्टी का मतलब जिस भी संबंधित व्यक्ति या संस्था की वो संस्था होती है उसी व्यक्ति के द्वारा, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होता वही अमूमन जो होता उसका चांसलर बनता है। हाँ, उसके बाद ये लोग क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर क्या नियुक्त करते हैं, वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है और उसकी अवधि 3 वर्ष होती है। इसी तरह स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिलेटेड गवर्नर होता है वो वाइस चांसलर नियुक्त करता है और वो भी 3 वर्ष के लिए होता है। तो उनका जो ड्यूरेशन होता है वाइस चांसलर्स का वो होता है 3 वर्ष। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो चांसलर होते हैं वो प्रो वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं, और इनकी जो अवधि होती है वो 5 साल होती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो जो टेनेवर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होती हैं। हाँ, एक अंतिम बात की जो इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 अर्थात 1995 में इसकी स्थापना हुई। तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय था, जहां पर जब भी किसी विश्वविद्यालय का नाम आए, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय तो हम BHU की बात करते हैं, हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात आती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की बात करते हैं, जब डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात आती है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की बात करते हैं। इसी तरीके से जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र आएगा
आए तो सबसे पहले हमारा ध्यान सिक्किम एंड नेपाल यूनिवर्सिटी की ओर होना चाहिए। दूसरी जो यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट है वो कह रही है, यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि भारत में वर्तमान में 334 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वर्क कर रही हैं, तो इनकी संख्या 334 है। तो इस तरीके से निजी विश्वविद्यालय जो है वो सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें, सबसे ज़्यादा राजस्थान में स्टेट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या जो है वो 334 है, और फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की वो है सिक्किम एंड नेपाल यूनिवर्सिटी। तो ये था निजी विश्वविद्यालयों का का उल्लेख और उनका जो कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम एक दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर आते हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी उनकी कार्य प्रणालियों के आधार पर। तो फंक्शंस के बिहाफ पर जरा समझते हैं विश्वविद्यालय कैसे हैं। तो जो हमारा बी सेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस भी जो है वो विश्वविद्यालय पांच तरह के यहाँ पर थे। एक चीज छूट रही है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो हमें समझना है, तो उसको हम इसी के अंतर्गत जो है वो कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। अब इसी में ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, ये इनके साथ यूनिवर्सिटी शब्द नहीं अटैच्ड होता है, ठीक है, नॉट कॉल्ड एज अ यूनिवर्सिटी, नॉट यूज यूनिवर्सिटी शब्द इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस में विश्वविद्यालय शब्द इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये विश्वविद्यालय स्तर के ही जो है वो संस्थान होते हैं, बट नो नॉट यूज्ड यूनिवर्सिटी शब्द। तो इनमें यूनिवर्सिटी वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहली बात। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं, अर्थात इनको भी बहुत सारी ऑटोमेसी होती है, बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन ये दो तरह से होते हैं। कुछ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, एक यानी एक जो है वो लोकल लेजिस्लेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, या एक एक स्टेट एक्ट के थ्रू उनका एग्जिस्टेंस होता है। और कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सबसे पहली चीज यहाँ पर कि establish through a act of parliament, अर्थात ये संसद में पारित एक कानून के द्वारा अस्तित्व में आते हैं, पहली चीज। ऑटोनोमस बॉडीज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ of higher education department
MHRD या जिसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं। तो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, लेकिन किसके अंदर काम करती हैं? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का होता है, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उसका, लेकिन ये पूरी तरह से जो है ऑटोनोमस होती है। तीसरी बात, परमिशन टू अवार्ड डिग्री ऑटोनोमसली बट नॉट यूज्ड यूनिवर्सिटी वर्ड इन देयर नेम। तो इनको भी डिग्री अवार्ड करने की परमिशन होती है, लेकिन ये इनमें यूनिवर्सिटी शब्द जो है, इनके नाम में यूनिवर्सिटी शब्द, बट नॉट यूज यूनिवर्सिटी वर्ड इन देयर नेम, पर इनके नाम में यूनिवर्सिटी शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा एक पॉइंट यहां पर, नो रोल ऑफ यूजीसी, इन संस्थानों में यूजीसी का कोई रोल नहीं होता, और चूंकि यूजीसी का रोल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए नॉट रोल ऑफ यूजीसी बट वर्क लाइक यूनिवर्सिटी, लेकिन एक विश्वविद्यालय की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिग्री अवार्ड करने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो एक्ट है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान क्या होते हैं? विश्वविद्यालय स्तर के ही संस्थान होते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चूंकि राष्ट्रीय महत्व की बात है, तो आप इसको एक तरीके समझें कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह के ही संस्थान होते हैं, लेकिन इनका जो एग्जिस्टेंस आता है, इनका जो इनकी जो स्थापना होती है वो होती है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद में पारित एक कानून के द्वारा। दूसरी बात, ये ऑटोनोमस बॉडीज होती है, अर्थात इनको एकेडमिक्स को लेकर के इनको स्वतंत्रता होती है, लेकिन बाकी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का, यानी MHRD का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही प्रशासनिक जो है हस्तक्षेप होता है। दूसरा, इनको डिग्री अवार्ड कर सकती है, ये अवार्ड डिग्री ऑटोनोमसली बट यूज्ड बट नॉट यूज यूनिवर्सिटी वर्ड इन देयर नेम, लेकिन इनके नाम में यूनिवर्सिटी वर्ड कहीं नहीं आता। नो रोल ऑफ UGC बट वर्क्स लाइक यूनिवर्सिटी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये वो संस्थान है जो एक विश्वविद्यालय की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके नाम में विश्वविद्यालय शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, और ना ही इन संस्थानों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई संबंध होता है। नो रोल ऑफ UGC, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान वो संस्थान है जिनकी स्थापना या जिनका निर्माण संसद में पारित कानून के द्वारा होता है, जो स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य तो करते हैं, लेकिन प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्रालय का होता है। इन्हें स्वतंत्र रूप से डिग्री अवार्ड करने की परमिशन तो होती है, लेकिन और ये एक विश्वविद्यालय की तरह काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें अपने नाम में विश्वविद्यालय शब्द इस्तेमाल नहीं करना होता, या इनके नाम में विश्वविद्यालय शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया होता है, और ना ही इनमें के कार्य प्रणाली में, इनके किसी गतिविधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई भूमिका या उसका कोई रोल होता है, या इनका ये कह लीजिए कि UGC से कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता है। तो UGC के यानी विश्वविद्यालय की तरह काम करने के बावजूद भी इनके ना तो नाम में विश्वविद्यालय शब्द होता है, और ना ही विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित UGC से इस संस्थाओं का कोई प्रत्यक्ष संबंध भी होता है। अब ये संस्थान है क्या? वर्तमान में भारत में
लगभग 95 जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। अब वो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है क्या, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर उनके एग्जाम्पल जान लेना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल्स जो है, यानी लगभग जो है, अगर हम इनकी चर्चा करें तो जो हमारी यूजीसी की रिपोर्ट है वो कहती है कि लगभग 95 संस्थान है, जैसे जिसमें से सबसे पहली है जितनी भी भारत में आईआईटीज हैं, दूसरा जितने भी भारत में आईआईएम्स हैं, जितने भी भारत में एनआईटीज हैं, जितनी ही भारत में ट्रिपल आईटीज हैं, जितने ही भारत में एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जितने ही भारत में ALUs हैं, अर्थात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, तो 22 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा हम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग SPS कह सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, एंड रिसर्च, इनको हम IISER कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, अर्थात तो जितनी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जितना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जितना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जितना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जितनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी SPAs हैं अर्थात स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये सब हमारे क्या है, नेशनल राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। तो ये एक विश्वविद्यालय की तरह, जितनी IITs हैं, जितनी जो हमारी NITs हैं, जितने IIM हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। इनके किसी भी नाम में आपको यूनिवर्सिटी शब्द नहीं दिखेगा, लेकिन ये विश्वविद्यालय की तरह होते हैं, किस की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर भी UGPG प्रोग्राम्स चलते हैं, यहाँ पर भी रिसर्च होती है, यहाँ पर भी स्वतंत्र रूप से डिग्री अवार्ड करते हैं, यहाँ पर भी इनको पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करते हैं डायरेक्टली, और इनकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा ही की गई होती है। तो ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। तो गाइस, ये डिग्री अवार्ड करते हैं, लेकिन UGC से इनमें से किसी भी संस्थान का कोई संबंध नहीं होता है। ये विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बट जो है इनके नाम में यूनिवर्सिटी वर्ड नहीं होता, और ना ही इनका UGC के साथ कोई रिलेशन होता है। इस बात को आपको बहुत केयरफुली ध्यान में रखना है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय संस्थान होंगे, वो विश्वविद्यालय का उन्हें दर्जा प्राप्त होता है, विश्वविद्यालय स्तर के वो कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय स्तर के कार्य का मतलब ये भी स्नातक, परास्नातक और शोध के जो है वो पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, लेकिन ना तो इनके नाम में विश्वविद्यालय शब्द होता है, और उसी लिए जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें यूनिवर्सिटी शब्द जोड़ा गया, उसको हटाया गया यहां पर। तो डिग्री अवार्ड करते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बॉडीज हैं ये, लेकिन ये UGC से किसी तरह से कोरिलेट नहीं करती। तो अब आते हैं इसकी एक दूसरा पहलू जो है, इसी में एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, जिनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। इसी कड़ी में इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं
इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेशन। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में ये भी आते हैं, लेकिन अब इनका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, पहली चीज एस्टैब्लिश थ्रू एक्ट ऑफ स्टेट असेंबली, यानी विधानसभा के द्वारा या राज्य विधानसभा में पारित एक कानून के द्वारा जो है ये काम करते हैं। दूसरा, ऑटोनोमस बॉडीज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ दैट स्टेट, यानी जिस राज्य ने इसकी स्थापना की, तो वहां पर देखिए कि सीधे सीधे जो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थे वही चीजें निकल कर, वहां पर एस्टैब्लिश थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, यहां पर क्या है एस्टैब्लिश थ्रू एक्ट ऑफ स्टेट असेंबली है। वहां पर भी वो ऑटोनॉमस बॉडी थी, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी सिमिलर था, लेकिन वहां अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एमएचआरडी है, यहां पर क्या है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दैट स्टेट, यानी उस राज्य का जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर में काम करेगा। तीसरी बात, परमिशन टू अवॉर्ड डिग्री ऑटोनोमसली, यानी इसको भी क्या है डिग्री अवॉर्ड करने की परमिशन है, यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूट्स बट नॉट अ रोल ऑफ यूजीसी। ये बात भी, यही बात यहां पर भी लागू होती थी। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं वो दो तरीके से है, एक वो जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और दूसरे वो जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब अंतर क्या है कि जो राज्य सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित किए जाते हैं उनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एमएचआरडी करती है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन दैट स्टेट, यानी उस राज्य का संबंधित राज्य का जो उच्च शिक्षा विभाग है वो उसका प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। दोनों ही स्थितियों में जो संस्थान होते हैं वो विश्वविद्यालय स्तर के यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन उनका यूजीसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता और ना ही यूजीसी का उसमें कोई रोल होता है। डिग्री अवार्ड करते हैं दोनों ही संस्थान, क्या है ऑटोनोमसली जो है वो डिग्री को अवार्ड करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन होते हैं और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं ये बहुत एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, लेकिन अस्तित्व की बात है कि एक का अस्तित्व संसद में पारित कानून के द्वारा आता है और दूसरे का जो अस्तित्व है वो आता है राज्य सरकार के विधानसभा में पारित एक कानून के द्वारा। दूसरों ही विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान होते हैं लेकिन यूजीसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, दोनों ही ऑटोनोमस होते हैं लेकिन दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो संबंधित जो है गठन एजेंसी का उच्च शिक्षा अनुभाग करता है।
अब यहाँ पर जो जैसे जो केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान थे वो लगभग 95 है, रिपोर्ट हमको बताती है, लेकिन अभी तक जो इंस्टीट्यूट अंडर लेजिस्लेशन है वो केवल 3 ही है। तो ये 4 बिंदु आपको ध्यान में रखने और इनके एग्जाम्पल, क्योंकि अभी तक ये जो इंस्टीट्यूट है वो केवल 3 है, इनमें अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो ये केवल 3 इंस्टीट्यूट हैं। वो 3 इंस्टीट्यूट हैं क्या, जिसमें से पहला इंस्टीट्यूट है SGPGIMS यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी ये है लखनऊ, यानी जिसे आप PGI कहते हैं यहां पर। तो PGI क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दूसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, और तीसरा है निम्स हैदराबाद। तो ये 3 जो है इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेशन है, PGI लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, तो 2 लखनऊ में है यानी उत्तर प्रदेश में है, और 1 है हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो निम्स जो है और RMLNIMS और PGI, तो ध्यान रखना है कि PGI, राम मनोहर लोहिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, यही अब तक जो है वो भारत में स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू अस्तित्व में आए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ये केवल जिन्हें संबंधित राजधानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 संस्थानों को इस दर्जे की मान्यता दे रखी है, और जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, डिग्री अवार्ड करते हैं, UGPG कोर्सेज संचालित करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो उच्च शिक्षा विभाग का। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वो जो है वो स्टेट जो है लेजिस्लेशन का जो है इंस्टीट्यूट है, यानी इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेशन है। तो गाइज ये जो 2 संस्थानें थी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन स्थापित होती हैं, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है वो लगभग एक समान होती है। ये दोनों ही विश्वविद्यालय स्तर के हैं, लेकिन UGC से इनका कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान IIT IIMs को मिलाकर के 95 होता है, और स्टेट लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो केवल अभी तक 3 ही हैं। इसलिए इनकी संख्या आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा संस्थान है जो स्टेट लेजिस्लेशन से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन सा संस्थान है जो है, चूंकि इनकी संख्या 3 है इसलिए इनको जो है याद रखना जरूरी है यहाँ पर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो नेशनल जो पहला पार्ट था फंक्शंस के बिहाफ पर वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरी जो है दूसरा जो फंक्शंस के बिहाफ पर था वो था यूनिटरी यूनिवर्सिटी। यूनिटरी यूनिवर्सिटीज यानी एकल विश्वविद्यालय या एकात्म विश्वविद्यालय कहा जा सकता है इनको। तो अब ये क्या होते हैं यूनिटरी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले यानी दीज आर सिंगल कैंपस एंड लार्जली कंसंट्रेट on PG studies and research। पहली चीज ये क्या होते हैं, एक सिंगल कैंपस संस्थान होते हैं और लार्जली कंसंट्रेट ऑन PG स्टडीज एंड रिसर्च, बट ऑल्सो हैव provision of UG program, लेकिन इनमें UG programs का भी provision होता है।
जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स अगर इसके बात करें, जैसे हमारा BHU है, JNU है, AMU है, ये संस्थान क्या है, यूनिटरी यूनिवर्सिटीज के रूप में, ज्यादातर ये जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के हो यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूप में होते, चूंकि वो लेजिस्लेशन के बिहार पर था, अब हम कार प्रणाली के आधार पर, तो यूनिटरी यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो एकल कैंपस के साथ यानी एक सिंगल कैंपस के साथ काम करती हैं, अर्थात इनका एक ही परिसर होता है और उसी परिसर में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज होती हैं, लेकिन इनके ऑफ कैंपस जो है स्टडी सेंटर्स नहीं होते हैं। लेकिन इनका जो लार्जली कंसंट्रेशन होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और शोध पर होता है, लेकिन इनमें जो है वो स्नातक स्तर के भी पाठ्यक्रम होते हैं। तो यूनिटरी विश्वविद्यालय यानी एकल विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिनमें एक ही केंद्रीय परिसर होता है, एक सेंट्रल सिंगल जो है एक सेंट्रल सिंगल सेंट्रल कैंपस होता है, आप यूं कह लीजिए, ठीक है। और इनका मुख्य फोकस जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट और शोध यानी PhDs पर, यानी PG प्रोग्राम और PhDs पर होता है, लेकिन इसमें स्नातक स्तर के अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के भी प्रोग्राम चलते हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये सब यूनिटरी कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज में आती हैं। इनका कोई ऑफ जो है कॉलेज एफिलेशन नहीं होता, ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स जितनी भी होती हैं उनका कोई ऑफ कैंपस कॉलेज एफिलेशन या इंस्टीट्यूट एफिलेशन नहीं होता, ये किसी को संबद्धता प्रदान नहीं करती। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिटरी इंस्टीट्यूट्स के बाद एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी तरह की जो हमारी यूनिवर्सिटी थी फंक्शंस के बिहाव पर वो थी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी यानी संबद्धता विश्वविद्यालय। अब ये एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? पहली चीज, दे हैव अ सेंट्रल कैंपस विथ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो ऑफ कैंपस सेंटर एंड ऑल्सो एफिलेटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स विद इन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट within jurisdiction of university और इनका एग्जाम्पल के रूप में जैसे CSJM यूनिवर्सिटी की बात कर लें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लें, आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लें, यानी जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं वो सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो संबद्धता विश्वविद्यालय क्या होते हैं, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज क्या होती है? एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें क्या है, एक सेंट्रल कैंपस होता है, एक केंद्रीय परिसर होता है विद वेरियस डिपार्टमेंट जिसमें कई सारे विभाग होते हैं, लेकिन इनका क्या है ऑल्सो ऑफ कैंपस सेंटर, इनके केंद्रीय परिसर के बाहर भी संस्थान हो सकते हैं। दूसरा, इनके पास क्या है एफिलेटेड
कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं कहाँ पर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी जो विश्वविद्यालय का जो न्यायिक क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसके विभिन्न जिलों में इससे संबद्धता या संबद्ध कॉलेज और संस्थान हो सकते हैं। तो एफिलेटिंग विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिनमें अध्ययन का एक केंद्रीय परिसर होता है, जिसमें उस केंद्रीय परिसर में विभिन्न विभाग या अनुभाग हो सकते हैं। इनके ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर भी हो सकते हैं। इनके जो है विभिन्न जिलों में, जो इनका न्यायिक क्षेत्र है उसके विभिन्न जिलों में इनसे संबद्ध तमाम महाविद्यालय और दूसरे संस्थान भी हो सकते हैं। जैसे, और सबसे ज्यादा बात की भारत में जो सबसे ज्यादा अधिक यूनिवर्सिटीज की संख्या है वो है एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज की। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एज अ एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें सबसे अधिक जो है संख्या वो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज की है। तो संबद्धता विश्वविद्यालय क्या है, जो दूसरे जिलों के संस्थानों को संबद्धता भी देते हैं, साथ ही साथ इनका अपना केंद्रीय परिसर होता है और उस केंद्रीय परिसर में भी ये तमाम तरह के जो कोर्सेज हैं वो संचालित करते हैं, यूजी पीजी प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो अपने परिसर में भी ये यूजी पीजी प्रोग्राम चलाते हैं, साथ ही साथ अपने से संबद्ध महाविद्यालयों को भी ये जो है इस तरह के कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति देते हैं और उनकी परीक्षा जो है वो चलाते हैं। और ज्यादातर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो ध्यान रखें कि एज एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज के रूप में ही काम करती हैं। चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं हम सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में। जो चौथा हमारा पार्ट था यहाँ पर वो था सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज, यानी रिक्षा विश्वविद्यालय। अब सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, यानी स्पेशली फोकस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। जो विशेष रूप से किसी एक विषय पर ही जो है फोकस करती, एक विषय फोकस ऑन सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक विशेष विषय पर फोकस करती है। जैसे सच है, अगर हम बात कर लें सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज के मामले में, तो जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जैसे हम बात करें मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जैसे हम बात करें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, तो ये सब क्या है पर्टिकुलर। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसका भी फोकस किसी एक विश्वविद्यालय पर, एक ही किसी विषय पर होता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसका भी फोकस केवल क्या है, कृषि के पाठ्यक्रम पर है। मेडिकल यूनिवर्सिटी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उसका भी फोकस किसी मेडिकल में एक विशेष शिक्षा पर है, एक विशेष विषय पर। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका भी संबंध किसी एक विषय है। तो ये सब क्या है हमारी, ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज के रूप में। लॉ यूनिवर्सिटीज को भी हम इसी के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज के रूप में है। तो बहुत ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज का मतलब वो विश्वविद्यालय जो किसी एक विशेष विषय या किसी एक विशेष सब्जेक्ट पर ही इन्फेसिस रखते हैं और उसी सब्जेक्ट से संबंधित तमाम तरह के यूजी पीजी और रिसर्च लेवल के जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करते हैं, संचालित करते हैं। इसी कड़ी में एक आखिरी जो यूनिवर्सिटी है वो है ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पांचवा और आखिरी जो वर्ग था हमारा यहाँ पर वो था ओपन यूनिवर्सिटी का, यानी मुक्त विश्वविद्यालय। तो अब ओपन यूनिवर्सिटीज क्या होती है, सबसे पहली बात ऑफरिंग करस्पॉन्डेंस कोर्स corresponding courses through ODL, yani open and distance learning।
तो मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? वो विश्वविद्यालय है जो पत्राचार से संबंधित जो है वो उस पाठ्यक्रम चलाते हैं, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, या मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के माध्यम से। अगर हम इनसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो जैसे अगर हम बात करें इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हम बात करें राष्ट्रीय टंडन की, ऐसे तमाम अपने हर स्टेट के अपने ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, इसी तरह से वर्धमान यूनिवर्सिटी हो, तो तमाम ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये उनकी कार्य प्रणाली है। ये स्टेट से रिलेटेड भी हो सकती है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है। ध्यान रखें कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूप में भी काम कर, जैसे इग्नू क्या है, एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन राष्ट्रीय टंडन क्या है, एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ओपन, और ये प्राइवेट भी हो सकती हैं या डीम्ड भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखें कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, इस क्लासिफिकेशन का ओवरलैपिंग है कि जैसे अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है, वो एफिलेटिंग भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो ओपन यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। तो वो जो लेजिस्लेशन है और जो फंक्शंस है, इसको हम ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, यानी पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है। लेकिन इसी तरीके से जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, तमाम तरह से। जैसे अगर हम बात करें कुछ निजी विश्वविद्यालयों को भी ODL प्रोग्राम चलाने की परमिशन मिलती है, तो वो क्या है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो ओपन यूनिवर्सिटीज के रूप में भी काम करने लगती है। तो गाइज, ये था भारत में विश्वविद्यालयों का जो वर्गीकरण है, वो जिसमें हम लोगों ने लेजिस्लेशन के बिहास पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन पढ़ा। इसी की कड़ी में जो है फंक्शंस के बिहाफ पर हम लोगों ने पढ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज, यूनिटरी यूनिवर्सिटीज, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अब एग्जाम में अगर इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे। ध्यान रखें कि वर्तमान में भारत में सभी तरह के विश्वविद्यालयों को मिलाकर के लगभग 911 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 297 आपके राज्य विश्वविद्यालय हैं, 126 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 334 आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और लगभग 95 जो है वो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं। इसी तरीके से 3 आपके जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जब आप 397, 51, 334, 126 और 3 को जोड़ेंगे तो वो लगभग 911 के आसपास की फिगर है। तो ये 2018-19 की UGC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संस्थानों का जो है संख्यात्मक स्तर पर ये स्ट्रक्चर है। अगली क्लास पर एक नई रेगुलेटरी बॉडीज के साथ आएंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे गाइज। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।